गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की सोच उन्हां दी गल कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि जिनके जात गोत कुल माही सरदारी ना पई कताही तीन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये सोच ते पहरा दिंदे हुए फिर कहदा एक बार जिनके जात गोत कुल माही सरदारी ना पई कताही तीन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये सोच खालसा पंथ दी है, ये सोच श्री गुरु गोविंद सिंह दी है, गुरु नानक दी है। ये सोच नू अगे लेके उना दी सोच ते पहरा दिंदे हुए कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी दी हाई कमांड ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, हरीश रावत जी ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नू जिदे पल्ले कुछ नहीं सी, जिस घर च जम्मिया उहदे उपर छत नहीं सी प्रोपर, थले मेरी मां टोबे चो मैं नाल जांदा सी, टोबे विच ते असी गारा लेके आउंदे सी, विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा फर्श लिपड़ा, पांडू साडियां कंधां ते फेरदे सी। असी आप मेरे फादर हर घर दे विच टेंट लगाए, सशीपाल जी बैठे। अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नू इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं सी। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, एक अगां वधू सोच है, गरीबां दी बांह फड़न वाला बंदा है। मैं उपकार इन्हां दा मोड़ नहीं सकदा। साडे ओ लोग जेड़े गरीबी चों उठ रहे हैं, जेड़े गरीबी चों उठ चुके हैं, जेड़े अंबेडकर दी सोच दे नाल अगे बढ़ रहे हैं, उन्हां दी बांह राहुल गांधी ने फड़ी है। मैं अपने दिलों अपने परिवार वालों हर पंजाब दे आम आदमी वालों राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, पंजाब प्रदेश कांग्रेस का, पंजाब सारे MLA साहबान का, सारे कांग्रेस का, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, सारे सबका प्रधानों का, ते पंजाब दी जनता का, गुरु साहब ने कहा कि तुम ही के सजाए, गुरु साहब ने कहा कि आप ही के तीन ही के सजाए सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। मैं भावुक हो गया, जे कोई मैं तो टुक दे विच गलती हो गई होवे तां, या वाक दे विच गलती हो गई, या मेरे बोलन च गलती हो गई तां मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इन्हीं की कृपा से सजे हम, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े। ये गुरु की कृपा है, ये वाहगुरु की कृपा है, मेरी धरती चमकौर साहब की कृपा है, शहीदा सिंह की कृपा है, चमकौर साहब की धरती के लोगों की कृपा है, जिन्होंने जदों गुरु साहब के बेटियां नूं उत्थे शहीद किया गया वो मंदिर देखिया होया है साढ़े बजुर्गों ने। ऐसी उस धरती तो मैं चुनिया जाता है जिहड़ी उस पवित्र धरती तो जिथे मानवता दे वास्ते साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बड़े साहबजादे बारे सिंह शहीद होए उस धरती तो मैं आया। मैनू कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने
पंजाब की सेवा का मौका दिता है। मैं एक गल कह दा कि मैं आम आदमी का, मैं गरीब का नुमाइंदा है, चाहे गरीब किसान है, चाहे गरीब दुकानदार है, चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जिहड़ा रोज मजदूरी करके खांदा है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे गरीब किसान है, चाहे किसे जाति का गरीब है, मैं उन्हां दा नुमाइंदा, मैं अमीरां दा नुमाइंदा नहीं है। मैं ना उन्हां लोकां दा नुमाइंदा है जिहड़े सोच दे विच अपनी दे कालख रखदे है। मैनूं उही बंदे मिल जिहड़े पंजाब दी सेवा करना चाहुंदे है, जिहड़े रेते दा बिजनेस करना चाहुंदे, मैं हथ जोड़दा मैनूं ना मिलण, जिहड़े कोई माफिया करना चाहुंदे मैनूं ना मिलण आके, मैं उन्हां दा नुमाइंदा नहीं है। मैं रिक्शा चलाउण वाले दा नुमाइंदा, मैं आप रिक्शा चलाया, मेरे बापू दा टेंट हाउस सी, मैं घर घर कुर्सियां ढोईयां, मैं हर पंजाब दे आम लोग दा नुमाइंदा। अज आम लोगों का राज पंजाब दे विच स्थापित होया, पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित होया। सो सत्कारयोग पत्रकार वीरो, मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद करदा, तो मैं थोड़े तो आस रखदा कि आपां ने रल के पंजाब दी डेमोक्रेसी नूं, पंजाब दी आजादी नूं, पंजाब दे लोकां दी चढ़त नूं अगे लेके जाणा है, पंजाब नूं खुशहाल करना है, पंजाब नूं तकड़ा करना है। सोने दी चिड़िया है पंजाब, लेकिन मैं एक गल करना चाहुंदा कि खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है पंजाब, पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नूं अपना गल बढ़ के दे दांगा, लेकिन पंजाब दी किसानी ते आंच नहीं आण देगी। ये किसानां दी सरकार है, किसानां दी हितैषी सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी दी सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा, यह किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, किसान की फसल आती है तो दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान की फसल आएगी तो मजदूर नूं खेत च काम मिलता है, किसान की फसल आएगी तो किसानी तो पंजाब खुशहाल होएगा, पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है, और ऐसी सब कुछ बार नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते, लेकिन पंजाब दे किसान नूं कमजोर नहीं होण देना, ऐसी हर तरीके नाल समर्थन करदे हैं किसान संघर्ष दा, ते अपील करदे हैं कि इन्हां नूं वापस लिया जावे जिहड़े काले कानून है, ते असीं इहदे विच 100% नेक नीति दे नाल बिना किसे बलछड़ रखे, बिना किसे अहुदे दा लालच करे किसानां दे नाल खड़ा। अगली मेरी बेनती ये है कि मैं नहीं सुनना, ते ना मेरी हाई कमांड ते मेरे लीडर सुनना चाहते, ना मेरे MLA सुनना चाहते कि पंजाब दे विच कोई रेता माफिया भी है। अज ही इहदा फैसला कर दांगे कैबिनेट दे विच, अज ही फैसला कर दांगे, जिहड़ा बहुत जरूरी है किसानां दा, खेतां दी बिजली माफ रहे, किसान नूं लोड़ है, लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी, पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है, वो भी माफ होनी चाहीदी है। गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच, वो मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा, 10-10 लाख रुपये दे बिल खड़े है, 20-20 लाख दे, 50-50 लाख दे, सारे माफ करांगे। किसे गरीब दा कनेक्शन इस करके नहीं कटेगा कि जी उहदा बिल देना है, जिहदे पिछले
5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ 200 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਂ 150 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਸੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਐਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 18 ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ 21 ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਏਗਾ ਗਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰੈਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੰਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲੋਹੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੁਛ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੇ 'ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰੈਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਏ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
खंडावा साहब बैठे हैं, बहुत ही होनहार और कट्टर कांग्रेसी परिवार जो डिप्टी सीएम इन्होंने बनाया गया, जे इन्हों का खूंक टेस्ट करो जिसे कांग्रेस ही निकलनी और ईमानदारी निकलनी, दो चीज़ इन्होंने अंदर है। इन्हों साड़ी हाईकमांड ने, साड़े एम एल एज ने डिप्टी सीएम चुनिया, मैं इन्हों बधाई देना और हाईकमांड का धन्यवाद करना। सोनी साहब आजाद भी जीत गए सी, इन्हों का अपना एक मुकाम है और बहुत ही होनहार है। इन्हों अज मौका एम एल ए साहबान ने, कांग्रेस पार्टी ने दिता है, मैं इन्हों का इन्हों मुबारकबाद देना। ऐसी पार्टी असी सारे बैठ के इंपलाइज गल करांगे, जो मसले सारे हल करांगे, लेकिन एक बेनती जरूर करांगा कि वापस काम ते आ जाओ, आपने पंजाब नूं अगे लेके जाना है। जे किसी इंपलाई दे घर 10,000 फालतू जाना तो मेरे घर भी आना है, इस करके मैं उन्होंने नाल खड़ा। मेरे घर वो आ गए, आ पिछे म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमान का झगड़ा सीगा, मैं नाल खड़ गया, मैं क्या इन्होंने पक्के करो, होर आए सी पानी वाले, मैं क्या पक्के करो इन्होंने, मैं उन्होंने नाल खड़ा, अज तो नहीं पहला तो खड़ा है। फिर जे मैं उन्होंने नाल खड़ा तो वह अज मेरे नाल आके दफ्तर खड़ जाण, काम पर जोर दे देण, मेरे ते विश्वास रखण, सरकार ते विश्वास रखण, पार्टी ते विश्वास रखण, मसले सारे हल हो जाणगे, कम्मां ते आ जाण। सो मैं हरीश रावत जी जिहड़े साडे जनरल सैकटरी है उन्हां दा धन्नवाद करदा, कांग्रेस पार्टी दा धन्नवाद करदा। एक मैं बेनती करांगा कि मेरा बिस्तरा मेरी गड्डी दे विच ही लग्गिया होया। सिद्धू साहब बैठन लगे कहिंदे आ की है पिछे, मैं कहा भाई जी बिस्तरा लग्गिया होया, मैं तां 4 बजे तुर पैंदा, जिथे पहुंचना होवे 7 बजे पहुंच जांदा। मैं पंजाब दे घर घर विच जाणा, मैं दफ्तर विच मिलांगा, सारे सैकटरियां नूं अज ही हदायत जारी हो जाएगी कि 2 दिन तक पक्का दफ्तर विच लोकां नूं मिलना है, लोकां दीआं सुणनीआं है। डीसी ये नहीं है कि साढ़े लोग बाहर बैठे है तो आप अंदर बैठे चाह पी जा रहे, उन्होंने सब तो पहला लोगों को मिलना, टाइम फिक्स होएगा, उस टाइम उत्थी होएगा डीसी। सैकटरीएट दे विच अफसर बंदियां नूं नहीं बुलाणगे, आप डायरेक्टोरेट जाके कि होर बैठेंगे, सैकटरीएट दे विच दिक्कत आउंदी है लोगों को, पास पूस बनाउण दी, होर सारे हर गरीब की पहुँच होवे मेरे तक, हर सारे अफसरां तक इस दी व्यवस्था की जाएगी। किसी नूं ये नहीं है कि उसका शिकायत का हल नहीं होया, ये सारिया चीज़ों का हल होएगा। मैं पंजाब के आम लोगों की आवाज़ बनागा, तो पंजाब के आम लोगों को अगे ला के चलागा, किसानी संघर्ष के आप जुटागा, तो इस मसले को हल करा के देवगा। सो मैं फिर भी थोड़े नाल मुलाकात होंगी रहनी है, इस करके ज़्यादा समा नहीं लेना चाहता। ये जड़ी सरकार है, कांग्रेस वर्कर की भी सरकार है, इस करके 15 सैक्टर के साडा मंदिर है जिथे मैं मत्था टेकन जाना है। जे कांग्रेस के वर्कर की सुनवाई होएगी ता ही सरकार है, पार्टी सुप्रीम है, मुख्यमंत्री या कैबिनेट सुप्रीम नहीं है। पार्टी की आइडियोलॉजी नूं लेके सरकार चलेगी, पार्टी की आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट होएगी, कांग्रेस पार्टी का राज होएगा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी चलेगी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी यही है कि सब नूं साथ लेके चलना है, देश की एकता अखंडता वास्ते नाल खड़ना है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी लेके चलांगे, पार्टी सुप्रीम है, पार्टी के फैसले होणगे, सरकार इंप्लीमेंट करेगी।
पंजाब दे विच एकता अखंडता आपसी भाईचारा अगे बढ़ेगा, मेल मिलाप होर अगे बढ़ेगा, साड़ी मुट्ठी है जिहड़ी उस नूं कोई खोल के अलग अलग नहीं कर सकता, चाहे ना जात दे नाम ते ना धर्म दे नाम ते। पंजाब अगे बढ़ेगा। सो मैं एक बार फिर मेरा ख्याल है कि मैं सारियां गल्लां कर लिया, इस करके क्वेश्चन आंसर मैं फिर किसी टाइम मैं कोई भी गल छड़ी नहीं। अज मेरा पर्चा लग जान दो, कल तो बाद अज तो बाद थोड़े ही मसले लवांगा। धन्यवाद।